मीडिया खबरों के अनुसार मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी के लिए अपनी पत्नी योगिता बाली को भी धोखा दे दिया था। मिथुन ने साल 1979 में योगिता बाली से शादी की थी, लेकिन 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन और श्रीदेवी ने पहली बार एक साथ काम किया। इसी फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों के अफेयर की खबरें भी उड़ने लगी थी। इतना ही नहीं, सब जगह ये खबर भी उड़ने लगी थी कि मिथुन और श्रीदेवी ने चुपके से शादी भी कर ली थी। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो लगभग हर मेन न्यूज पोर्टल पर आपको ये खबर मिल जाएगी। लेकिन ये खबर जब उड़ते उड़ते मिथुन की पत्नी योगिता बाली को मिली तो ये बात उड़ने लगी कि इस रिश्ते से नाराज योगिता बाली ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। मिथुन श्रीदेवी की गुपचुप शादी केवल 3 साल तक टिकी थी। 1988 में दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने घर वापसी का मन बनाया और उधर श्रीदेवी को भी जब ये लगा कि मिथुन चक्रवर्ती अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ पाएंगे तो उन्होंने भी बोनी कपूर से शादी कर ली। लेकिन योगिता बाली मिथुन की पहली पत्नी नहीं थी। योगिता बाली से शादी रचाने से पहले मिथुन ने एक और शादी भी की थी और ये शादी केवल 4 महीने ही चल पाई थी। उसके बारे में आगे बात करता हूँ, लेकिन पहले योगिता बाली की बात करते हैं। योगिता बाली मिथुन से शादी करने से पहले किशोर कुमार की पत्नी थी। योगिता बाली ने किशोर कुमार से 1976 में शादी की थी और ये शादी 1978 तक चली थी। योगिता बाली लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी। उसके बाद 1979 में योगिता बाली ने मिथुन से शादी कर ली। मिथुन की और योगिता बाली दोनों की ये दूसरी शादी थी। मिथुन की सबसे पहली शादी एक फैशन मॉडल हेलेना ल्यूक से हुई थी। हेलेना ल्यूक 70 के दशक में हेलेना फैशन वर्ल्ड का जाना माना नाम थी। इसके बाद 1980 में उन्होंने पहली बार बॉलीवुड फिल्म जुदाई में काम किया। फिल्म में वो साइड रोल के तौर पर नजर आई थी। इसके बाद हेलेना 2 और फिल्मों में नजर आई जिनके नाम थे साथ साथ और एक नया रिश्ता। लेकिन हेलेना ज़्यादा समय तक बॉलीवुड में नहीं टिक पाई और अचानक गायब हो गई। खैर, हेलेना ल्यूक से शादी करने से पहले मिथुन का सारिका से अफेयर था और ब्रेकअप के बाद उन्हें हेलेना ल्यूक में एक नया हमसफर और सहारा नजर आया। लेकिन दोनों की शादी केवल 4 महीने ही चल पाई थी और दोनों के अलग होने की मेन वजह थी मिथुन चक्रवर्ती की योगिता बाली से नज़दीकियाँ। हेलेना ल्यूक ने स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मिथुन उनके एक्स बॉयफ्रेंड जावेद को लेकर काफ़ी टोंट मारते थे, काफ़ी ज़्यादा ताने मारते थे। उसके अलावा मिथुन एक घर में अपने 2 कज़िन और 2 कुत्तों के साथ रहते थे। शादी के बाद मैं भी वहीं रह रही थी। मिथुन के दोनों कज़िन उनका पैसा खर्च करते थे, जो हेलेना ल्यूक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब हेलेना ल्यूक ने मिथुन से उनके कज़िन को अलग करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वो जाना चाहती हैं तो चली जाएं, लेकिन उनके कज़िन कहीं नहीं जाएंगे। हेलेना ल्यूक ने यह भी बताया था कि मिथुन पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे ही घर में रहते थे। मैं पूरा दिन घर पर उनका इंतज़ार करती थी। मीडिया में मिथुन और योगिता के अफेयर की बात आने से मुझे काफ़ी धक्का लगा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और ये मुझे बहुत बुरा लगा था। खैर, ये तो थी मिथुन दा की पर्सनल लाइफ की बात। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो मिथुन का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। मिथुन का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है, हालांकि ये नाम कभी उन्होंने फिल्मों में इस्तेमाल नहीं किया। मिथुन बॉलीवुड की उन शख्सियतों में शुमार हैं जिनका न कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा और ना ही इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। मिथुन चक्रवर्ती को पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। उनकी पहली फिल्म मृग्या थी। मिथुन चक्रवर्ती ने इसी फिल्म के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म के निर्देशक मृणाल सेन ने उन्हें फिल्म इंस्टीट्यूट से खोजा था। उस दिन सभी छात्र डिप्लोमा और डिग्री के प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे थे। तभी डायरेक्टर मृणाल की नज़र मिथुन पर पड़ी, जो बड़ी मस्ती से और बेफिक्री से कुछ लड़कियों के साथ खूबसूरत लड़कियों के साथ बातचीत कर रहे थे और फ्लर्ट कर रहे थे।
मृणाल के साथ जो शख्स था उस शख्स से मृणाल ने कहा था कि एक एक्टर को ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल बेफिक्र, दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं और अपनी धुन में जीने वाला। मिथुन का ये अंदाज मृणाल को पसंद आया और 2 साल बाद उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए मिथुन को कहीं से ढूंढ निकाला। मिथुन ने इस फिल्म में एक असाधारण तीरंदाज घिनुआ का किरदार निभाया है जो अंग्रेजों से एक बड़े खेल के लिए शर्त लगाता है। इस फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए मिथुन को बेस्ट अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद भी मिथुन ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से न केवल वो दर्शकों पर छा गए बल्कि एक डांस आइकन भी बन गए। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे रूस, पूरे एशिया, पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में फेमस हो गए। डिस्को डांसर और उनके गाने जिमी जिमी ने उन्हें भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय बना दिया। डिस्को डांसर विदेशों में लगभग 2 साल बाद 1984 में रिलीज़ की गई थी। ये फिल्म विदेश में इतनी चली कि 100 करोड़ रुपये कमाने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बनी। रशिया में मिथुन की एक अलग किस्म की दीवानगी थी। बहुत लोग मिथुन के पीछे पागल थे, लड़कियां बहुत ज़्यादा दीवानी थी मिथुन चक्रवर्ती की। जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट की माने तो एक बार मिथुन के कारण रूस के नेता को अपनी पॉलिटिकल रैली कैंसिल करनी पड़ी थी, क्योंकि जिस दिन ये रैली निकलनी थी उस दिन मिथुन चक्रवर्ती रूस पहुँचने वाले थे। ये बात राजधानी मॉस्को की थी और मिथुन के सारे फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँच गए। राजनीतिक रैली में शामिल होने के लिए बहुत कम ही लोग मौजूद थे, जिसके कारण नेताओं को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी। मिथुन की डिस्को डांसर फिल्म एक ग्लोबल हिट बन चुकी थी। इसके गाने दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे। रशिया में मिथुन की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोल रही थी। अगर आज के युग में मिथुन की डिस्को डांसर जैसी फिल्म रिलीज होती तो ये एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट बन जाती, एक ग्लोबल हिट बन जाती। उस टाइम सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मिथुन की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये थी मिथुन चक्रवर्ती की कहानी। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब करें।